हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। तो आइए देखते हैं, अमर माई रिपेयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं इस पे क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। ये यूनिट देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस पे ये आवाज़ नहीं आ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसको, इसका जो स्क्रू है खोल रखे थे, और आप लोग को हम दिखाना चाहेंगे। तो दोस्तों ये बाहर निकाल दिए हैं, और जो इस पे जो स्क्रू लगा है इसे भी हम खोल देते हैं। तो दोस्तों ये खुल चुका है, ये स्क्रू निकल गया है, और इस पे हम इसको हटाएंगे और देखेंगे इस पर, इसमें जो कॉइल है दोस्तों, इसका कॉइल कैसा है हम देखेंगे इसको। ख़राब तो नहीं हो चुका है, या आवाज़ नहीं आ रहा था दोस्तों। तो इसका जो कॉइल है देख पा रहे होंगे आप लोग, ये पूरा झर चुका है दोस्तों, देख पा रहे होंगे पूरा ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों इस पे कॉइल हम दूसरा लगाएंगे जो अच्छा वाला हो, क्योंकि इसमें कॉइल है जो पूरा झर चुका है, पूरा हीट होके, पूरा गर्म होके, पूरा ही ख़राब हो चुका है कॉइल। देख पा रहे होंगे पूरा झड़ा टाइप का दिख रहा है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक आप लोग के हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो नए वाले कॉइल रखे हुए थे, और हम उसको जो नए वाले कॉइल है उसे हम सोल्ड कर देंगे। दोस्तों ये जो नया वाला कॉइल जो इस पर डाल रहे हैं उसे हम सोल्ड कर दे रहे हैं। तो दोस्तों ये सोल्ड हो चुका है, और इसको हम जो इसका यूनिट है उसे भी हम साफ कर लेंगे। दोस्तों ये कॉइल इस पर दूसरा चेंज हो चुका है दोस्तों, और इस पर हम जो कचड़ा होता है उसे हम साफ कर लेंगे, और इसके बाद हम उसे जैसे बैठा हुआ था उस तरह से हम बैठा देंगे इसको। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम दोस्तों इस तरह से उसे बैठा रहेगा दोस्तों। जो इसका रबड़ है वो थोड़ा बाहर निकला हुआ है, इसलिए उसे हम कुछ अंदर कर देते हैं। और दोस्तों इस तरह से इसको हम आराम से बैठाएंगे, ताकि जो इसका कॉइल है, जो तार है उस पर लगे ना, नहीं तो टेढ़ा हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये बैठ चुका है, और इस पर हम जो स्क्रू है उसको हम टाइट कर देंगे बारी बारी से, इस तरह से हम हर तरफ करके उसको टाइट करेंगे। और कहीं एक तरफ से क्वाई हम टाइट नहीं करेंगे, इसको चारों तरफ से इसको करेंगे टाइट,
हल्का हल्का, अगर दो दो चूड़ी इसको सबको टाइट करेंगे ताकि एक बराबर टाइट हो। दोस्तों इस तरह से इसको टाइट करना चाहिए ताकि एक तरफ से टाइट कर देंगे कहीं एक नट तो डिसबैलेंस, इसका जो लेबल है वो ठीक से बैठेगा। दोस्तों ये टाइट हो चुका है और इसमें जो निकला हुआ है कनेक्शन करने के लिए, जो यहाँ से देख पा रहे होंगे जो वायर दो ठो निकला हुआ है, ये वायर इसी पे लगेगा। तो सबसे पहले हम इसको नाप लेते हैं। इस दोस्तों ठीक है वायर, दोस्तों ये ठीक है और इसको सेट कर देंगे। इस तरह से जो वायर देख पा रहे होंगे निकला हुआ है, इस पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है कंट्रोल के लिए, जो ट्रांसफार्मर कंट्रोल करता है, और एसी यूनिट है। एसी से बस एसी यूनिट है, डीसी यूनिट नहीं है। तो दोस्तों ये लग चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों इसका जो स्क्रू है इसको टाइट कर देंगे हम। और दोस्तों आप लोग की वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो नए लोग होंगे तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों पूरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और लोड कर इसी तरह से हम वीडियो रोज लाते रहते हैं, तो वीडियो को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, उम्मीद है। और वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे, ऐसा ही वीडियो लेके आएंगे फिर से। वीडियो में प्यार दुलार बनाए रखिएगा, फिर मिलेंगे।